नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। दरअसल आज राबड़ी आवास से दो ट्रक सामान ऐश्वर्या राय का यहां पर आया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम चंद्रिका राय के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर चंद्रिका राय ने सामान लेने से इनकार कर दिया। सबसे पहले हम आपको वो बाइट सुनाते हैं जो ड्राइवर ने कहा है कि वो राबड़ी आवास से आए हैं दो ट्रक सामान लेके। पैच आपको दूसरी ओर तस्वीर लेके चलते हैं। ये वही ट्रक है जहाँ पर ड्राइवर के मुताबिक ये वो ट्रक है जिस जहाँ से राबड़ी आवास से लाया गया है चंद्रिका राय के आवास पर। दरअसल आपको बता दें कि लालू फैमिली का जो ड्रामा है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आज राबड़ी आवास से दो आया है और ड्राइवर की माने तो यही दो ट्रक है जो खुद राबड़ी देवी भी मौजूद थी जब ये ट्रक लोड हो रहा था। और इस ट्रक में सामान है, घर की ज़रूरतों के सामान है। आप देख सकते हैं गोदरेज फर्नीचर है, गोदरेज का सामान है। और आपको एक बात बता दें कि इससे पहले भी बीते दिनों आपको याद होगा कि ऐश्वर्या राय ने राबड़ी देवी पर आरोप लगाया था मारपीट करने का, और राबड़ी आवास के बाहर घंटों धरने पर बैठी थी। पिता चंद्रिका राय भी धरने पर, उसके बाद FIR दर्ज हुआ था, उसके बाद काउंटर FIR राबड़ी देवी की तरफ से भी दर्ज किया था। और आज राबड़ी देवी ने अपने घर से ऐश्वर्या राय का सामान ऐश्वर्या राय के पिता यानी कि चंद्रिका राय के आवास पर पहुंचवाया। हालांकि चंद्रिका राय ने ये दो ट्रक सामान को लेने से इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि हो सकता है कि ये जो सामान है वो चोरी का सामान है, इसलिए वो इन सामानों को नहीं लेंगे। और साथ ही चंद्रिका राय ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का मोबाइल जो छीन लिया गया था वो अब तक नहीं दिया गया। फिलहाल लोकल पुलिस जो है वो चंद्रिका राय के आवास के अंदर मौजूद है, और जो एक बार फिर से मीडिया का जमावड़ा, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बार फिर से उनके घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। ये चंद्रिका राय के का आवास है, ये विधायक आवास है। दरअसल आपको बता दें कि उनकी बीते दिनों से लगातार जो फैमिली टेंशन है राबड़ी देवी के घर पर वो बढ़ता जा रहा है ऐश्वर्या राय को लेकर। फिलहाल दो ट्रक सामान ऐश्वर्या के पिता के घर पर मंगाया गया है, और अब इस मामले को लेकर क्या होता है वो हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना, आप देखते रहिए न्यूज़ फोर नेशन। आवास पे आए, गाड़ी साइड में लगा दिया। कौन आवास पे आए? तेजस्वी जी के। उसके बाद एक घंटे बाद बोले कि गाड़ी धर लाओ, बैठ करके गाड़ी लगा दिए। उसके बाद रूम में गए तो दो लेबर पहले से सामान ला रहा था तो वो लोगों से नहीं हो पा रहा था, तो फिर उनका बॉडीगार्ड भी हम लोग भी गए हेल्प करने के लिए। चलो भाई, भारी सामान है। रूम में ताला लगा हुआ था? जी, ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था रूम में। हाँ, लेबर तोड़ा है ताला, हथौड़ी से मार कर। जी जी, वहाँ वीडियोग्राफी भी हुआ है। वीडियोग्राफी का सामान का वीडियो हुआ है, जो सामान लोड हुआ था। आप लोगों को क्या बोला सामान लोड करने के लिए? हम लोग सचिन मिठापुर के एक आदमी थे, रंजन नाम है उनका। हाँ, यहाँ पे किसने बोला? यहाँ पर राबड़ी जी थे, बोले कि बाबू ये सब जो सामान है बढ़िया से इनका लोड कर दो। साथ में कोई आया था? साथ में कोई आया? सामान था, सामान तो जहाँ सर जो इसी में हम लोग तो गिनती नहीं किया, पैक है जो पैक है, बाकी जो खुला था से तो नजर आ रहा अनुयारी वगैरह जो है। साथ में कौन कौन आया था आपके? बोडगार थे, उनका भी नहीं है सर। कितने कुल ट्रक लाए हैं? दो गाड़ी है सर, एक वहाँ एक गाड़ी यहाँ। क्या कहा गया था आपको, कहाँ ले जाना है? हमको बोला गया चंद्रिका जी के दरवाजा पे जाके और उतार कर। साथ साथ आए थे उसके बॉडीगार्ड साहब? बॉडीगार्ड आए थे, साथ आए थे जी। बोले कि एक आध घंटा का काम है बाबू, जाओ छोड़ कर चलाना है। यहाँ पे आने के बाद क्या आप सामान डिलीवर कर रहे हैं अंदर? नहीं, वो मना कर रहे हैं लेने से। अच्छा, बोले हम नहीं लेंगे। अच्छा, उनका जी बोला बॉडीगार्ड के यहाँ उतार दो, हम लोग कैसे उतार के चल जाए, कीमती सामान है, बर्बाद ना हो जाएगा। ठीक, क्या नाम हुआ? रवि रंजन यादव नाम हुआ सर, दूलिंगा थाना घर पड़ता है हमको।